हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल फिल्मी कॉर्नर। व्यूअर, आज की इस वीडियो में हम 2020 की मोस्ट कंट्रोवर्शियल बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का कंप्लीट बॉक्स ऑफिस करियर एनालाइज करेंगे और साथ ही साथ उनके कंप्लीट करियर का सक्सेस रेशो भी आप व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। व्यूअर, रिया चक्रवर्ती 1 जुलाई 1992 को बेंगलोर कर्नाटका इंडिया में पैदा हुई और वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्ट्रेस और इसके अलावा वीजे के तौर पर पहचानी जाती हैं। रिया चक्रवर्ती ने अपने फिल्मी करियर का आगाज 2012 की तेलुगु लैंग्वेज की मूवी तुनिगा तुनिगा से किया और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में उनकी डेब्यू मूवी थी 2013 की फिल्म मेरे डैड की मारुति। और उन्होंने अपने कंप्लीट करियर में 7 मूवीज़ में काम किया है, लेकिन अपनी एक्टिंग से ज़्यादा आजकल वो खबरों में हैं अपनी कंट्रोवर्सीज की वजह से। और इस साल हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के फेमस एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की अचानक डेथ के साथ इनके लिंक्स को जोड़ा जा रहा है और इनके साथ आए दिन इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और रिसेंटली इन्हें नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने अरेस्ट भी किया है और इन पर ये चार्जेस लगाए गए हैं कि इनके और इनके भाई के कहने पर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग सप्लाई हो रही थी और साथ ही साथ CBI भी इनसे इंक्वायरी कर रही है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के ऊपर, क्योंकि काफ़ी कड़ियां इनकी तरफ जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं और यहां तक कहा जा रहा है कि उनके पैसे को भी रिया चक्रवर्ती कंट्रोल कर रही थी और काफ़ी कंट्रोल में लेके रखा हुआ था सुशांत सिंह राजपूत को और काफ़ी दबाव में डाला था, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब थे और उनकी इस डेथ को, जो कि इन्होंने सुसाइड का रंग देने की कोशिश की थी, उससे भी आहिस्ता आहिस्ता पर्दे हट रहे हैं और बहुत सारे नाम इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। आए दिन बहुत सारे लोगों से इस सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, ख़ास तौर पर इसमें रिया चक्रवर्ती का नाम सबसे ऊपर है क्योंकि वो उस वक्त लिविंग पार्टनर थी सुशांत सिंह राजपूत की और जिसकी वजह से वो काफ़ी नज़रों में हैं और बहुत सारी चीज़ें आजकल उनके अगेंस्ट चल रही हैं। रिसेंटली उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों को वो ड्रग सप्लाई किया करती थी, जिसकी वजह से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी खलबली मची हुई है और इस बात को इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है। आने वाले दिनों में इन बातों का फैसला किस तरफ जाता है, ये तो हम CBI और NCB के ऊपर छोड़ते हैं कि वो इस केस को काफ़ी स्ट्रांगली बड़े ही गहराई के साथ उसका मायना करते हुए इसकी तहकीकात की जा रही है। हमारी ये विश है कि इसकी रिपोर्ट भी बड़ी ईमानदारी के साथ ही पब्लिक की जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, किसी के दबाव या किसी को फेवर देने की कोशिश न की जाए सुशांत सिंह राजपूत की इस डेथ के मामले में। तो इधर हम बात कर रहे थे कि आज की इस वीडियो में हम रिया चक्रवर्ती का कंप्लीट बॉक्स ऑफिस करियर एनालाइज करेंगे। हालांकि उन्होंने सिर्फ 7 ही मूवीज़ की हैं जिनकी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही उनके कंप्लीट करियर का बॉक्स ऑफिस सक्सेस रेशो भी आप के साथ शेयर करेंगे, लेकिन जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि वो अपनी एक्टिंग से ज़्यादा 2020 में कंट्रोवर्सीज की वजह से काफ़ी खबरों में हैं। कुछ लोग बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें सपोर्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इस मामले में खामोश हैं और साथ ही साथ कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी बात कर रहे हैं। तो अगर आते हैं आज की इस वीडियो की तरफ, तो रिया चक्रवर्ती की इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की डेब्यू मूवी का नाम था तुनिगा तुनिगा। ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी थी जिसकी लीड कास्ट में सुमंत अश्विन और रिया चक्रवर्ती शामिल थे और ये फिल्म 20 जुलाई 2012 को रिलीज़ हुई और बॉक्स ऑफिस पर ये एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए रिया चक्रवर्ती की डेब्यू मूवी का नाम है मेरे डैड की मारुति। फिल्म की लीड कास्ट में साकिब सलीम, रिया चक्रवर्ती, राम कपूर शामिल थे और ये फिल्म 15 मार्च 2013 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म का बजट था 9 करोड़ और फिल्म के इंडिया में कलेक्शन हुए 10 करोड़ 54 लैक्स और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 14 करोड़ 94 लैक्स और बॉक्स ऑफिस पर ये एक बिलो एवरेज मूवी साबित हुई थी। रिया चक्रवर्ती की नेक्स्ट मूवी का नाम है सोनाली कैविल और इस फिल्म की लीड कास्ट में रिया चक्रवर्ती, अली फजल, राघव जुयाल और अनुपम खेर शामिल थे और यह फिल्म 17 अक्टूबर 2014 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म का बजट था 7 करोड़ 75 लैक्स और फिल्म के इंडिया में कलेक्शन हुए थे जस्ट 82 लैक्स और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 1 करोड़ 11 लैक्स और बॉक्स ऑफिस पर सोनाली कैविल एक डिजास्टर मूवी साबित हुई थी। और फिर रिया चक्रवर्ती की नेक्स्ट मूवी का नाम है दोबारा सी योर इवल। फिल्म की लीड कास्ट में हुमा कुरैशी, साकिब सलीम, लीजा रॉय, आदिल हुसैन, रिया चक्रवर्ती शामिल थे और यह फिल्म 2 जून 2017 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म का बजट था 9 करोड़ और फिल्म के इंडिया में कलेक्शन हुए 1 करोड़ 38 लैक्स और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 2 करोड़ 14 लैक्स और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म भी डिजास्टर करार दी गई थी।
मोहित सूरी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी हाफ गर्लफ्रेंड, फिल्म की लीड कास्ट में अर्जुन कपूर, श्रद्धा कपूर और रिया चक्रवर्ती शामिल थे और यह फिल्म 19 मई 2017 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म का बजट था 58 करोड़ और इसने इंडिया में 60 करोड़ 30 लैक्स के कलेक्शन की और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 97 करोड़ 73 लैक्स और बॉक्स ऑफिस पर हाफ गर्लफ्रेंड एक बिलो एवरेज मूवी करार दी गई थी। बॉम्बी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी बैंकचोर, फिल्म की लीड कास्ट में रितेश देशमुख, विवेक ओबराय, रिया चक्रवर्ती और बाबा सेगल शामिल थे और यह फिल्म 16 जून 2017 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म का बजट था 15 करोड़ और इसके इंडिया में कलेक्शन हुए 7 करोड़ 32 लैक्स और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 9 करोड़ 85 लैक्स और बॉक्स ऑफिस पर बैंकचोर एक डिजास्टर मूवी साबित हुई थी। पुष्पदीप भारद्वाज की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी जलेबी, फिल्म की लीड कास्ट में रिया चक्रवर्ती और वरुण मित्रा शामिल थे और ये फिल्म 12 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ हुई। फिल्म का बजट था 7 करोड़ 50 लैक्स और फिल्म के इंडिया में कलेक्शन हुए 2 करोड़ 34 लैक्स और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुए 3 करोड़ 19 लैक्स और बॉक्स ऑफिस पर जलेबी भी एक डिजास्टर मूवी करार दी गई और यही अभी तक की रिया चक्रवर्ती की रिलीज़ होने वाली आखिरी मूवी भी साबित हुई है। और व्यूअर, रिया चक्रवर्ती की अपकमिंग मूवी की बात करें तो उनकी आने वाली मूवी का नाम है चेहरे। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रोमी जाफरी। फिल्म की लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन सर, इमरान हाशमी, रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ कपूर शामिल हैं और ये फिल्म पहले 2020 में रिलीज़ होनी थी लेकिन जारी लॉकडाउन की वजह से जब थिएटर्स बंद हैं तो इस फिल्म की रिलीज़ मुमकिन न हो पाई और इस फिल्म को हो सकता है कि 2021 में आप व्यूअर के सामने पेश किया जाए या फिर इस फिल्म की भी डील हो जाए किसी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करने वाली वेबसाइट के साथ और आपको किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर यह फिल्म देखने को मिल पाए। और व्यूअर, रिया चक्रवर्ती की कंप्लीट करियर का सक्सेस रेशो निकाले तो रिया चक्रवर्ती अब तक अपने कंप्लीट करियर में सिर्फ 7 मूवीज़ का हिस्सा रही हैं और इन 7 मूवीज़ में उनकी सिर्फ 2 मूवीज़ बिलो एवरेज रही हैं, 1 मूवी उनकी फ्लॉप और 4 डिज़ास्टर रही हैं। अगर उनकी बिलो एवरेज मूवीज़ को हम सक्सेसफुल मूवीज़ में शामिल करें तो उनका बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस रेशो बनता है जस्ट 28.57%। और फ्रेंड, रिया चक्रवर्ती की रिलीज़ होने वाली मूवीज़ और उनके सक्सेस रेशो को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस लड़की में किसी तरह की भी कोई एक्टिंग स्किल्स नहीं है, सिर्फ अपने नाम और अपनी हरकतों की वजह से उन्होंने चंद मूवीज़ में काम किया है। एक्टिंग वाइज कोई भी काबिले ज़िक्र फिल्म रिया चक्रवर्ती ने नहीं दी। 2020 में काफ़ी खबरों में है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उनके ऊपर हैं, बार बार उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन बल्कि अब तो अरेस्ट तक कर दिया गया है ड्रग्स वाले मामलात में और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है और देखते हैं कि आने वाले दिनों में वो और क्या क्या कन्फेस करती हैं। जैसे कि मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा कि अभी उन्होंने कन्फेस किया है कि न सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत बल्कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से और लोगों के लिए भी वो ड्रग्स खरीद कर दिया करती थी, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है जो कि इस वक्त इसकी वजह से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी हलचल मची हुई है। आने वाले दिनों में क्या और कन्फेशन करती हैं रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में वो कितनी मुलविस हैं, इसकी इंक्वायरी जारी है और हम चाहते हैं कि उसकी पूरी ईमानदारी के साथ इन्वेस्टिगेशन हो, जो जो भी गिल्टी है उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। रिया चक्रवर्ती के इस मामले में आप व्यूअर्स की क्या राय हैं, जो आजकल उनको अरेस्ट किया गया है और उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस सिलसिले में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। क्या रिया चक्रवर्ती आपकी नज़र में सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में गिल्टी है या नहीं? आप रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में या उसके अगेंस्ट जा रहे हैं? इस सिलसिले में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, जाते जाते एक बार फिर आपसे कहता चलूं कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इस बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।